एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन इकोनॉमिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो मैंने आपसे डिस्कस किया था वैल्यू एडेड मेथड, और हमने वहाँ पर इस मेथड से रिलेटेड फॉर्मूला और प्रिकॉशंस जब हम इस मेथड्स के थ्रू नेशनल इनकम फाइंड करते हैं वो डिस्कस किए थे। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करके देखेंगे, और ये जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं दे आर बेस्ड ऑन द वैल्यू एडेड मेथड। तो फाइंड करना है ग्रॉस वैल्यू एडेड या GDP FC, ये हमें फाइंड करना है। क्वेश्चंस में गिवन है सेल्स बाय फर्म ए 100, परचेज फ्रॉम फर्म बी टू फर्म ए 40, परचेजेस फ्रॉम फर्म ए बाय फर्म बी 60, सेल्स बाय फर्म बी 200, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म ए 20, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फर्म ए 25, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म बी 35, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फर्म बी 45, इनडायरेक्ट टैक्स पेड बाय बोथ फर्म 30। दीज पर्टिकुलर्स हैज बीन गिवन इन क्वेश्चन। अब थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि वैल्यू एडेड मेथड हम यूज़ कर रहे हैं, तो क्योंकि हमने कहा था कि भाई इकोनॉमी के अंदर डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, और उन फॉर्म्स की जितनी वैल्यू एडिशन किया जाता है हर एक फॉर्म के द्वारा उसको ऐड कर लेते हैं। नाउ हम यहाँ पर कह सकते हैं कि फर्म ए का जो आउटपुट है उसके लिए जो इंटरमीडिएट कंजप्शन यूज़ की है वो उसने बाय द फर्म बी परचेज की है, और ऐसे ही जो सेल है फर्म बी की उसने भी इंटरमीडिएट जो कंजप्शन परचेज की है वो की है फर्म बी से। तो स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, दोनों फर्म्स का अलग अलग वैल्यू एडेड फाइंड कर लेते हैं। तो पहले मैं फाइंड कर रहा हूँ वैल्यू एडेड बाय फर्म ए। फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा, डेट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। वैल्यू ऑफ आउटपुट यहां पे हो जाएगा सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक एंड इंटरमीडिएट कंजप्शन। ओके, फॉर्म ए के लिए निकाल रहे हैं, फॉर्म ए की सेल्स है 100, चेंज इन स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक है फॉर्म ए का 20, ओपनिंग स्टॉक है 25। इंटरमीडिएट कंजप्शन चेक करते हैं, देखिए लिखा हुआ है परचेजेस फ्रॉम फर्म बी बाय फर्म ए, ये है 40, दिट इज इंटरमीडिएट कंजप्शन ऑफ फर्म ए। नाउ लेट वी कैलकुलेट, दिस इज 100 माइनस 40 माइनस 5, सो दिस इज 55 लाख, क्योंकि हमारा जितने नंबर्स हैं लाख में है। नाउ लेट वी मूव टू स्टेप नंबर टू, क्योंकि हमें ग्रॉस वैल्यू एडेड फाइंड करना है, और ग्रॉस वैल्यू एडेड फाइंड करने के लिए जितने फॉर्म क्वेश्चन में गिवन है उन सब का ही वैल्यू एडिशन निकालना है। तो अब हम निकालते हैं वैल्यू एडेड बाई फॉर्म बी। सेम फॉर्मूला हमारे लिए रहेगा, डैट इज सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शंस। वैल्यूज पुट करते हैं, जो फॉर्म बी की सेल है डेट इज 200, दिस इज चेंज इन स्टॉक, अगर मैं फाइंड करूँ क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, क्लोजिंग स्टॉक है 35 एंड ओपनिंग स्टॉक इज 45। इंटरमीडिएट कंजप्शन, सो इट इज गिवन परचेजेस फ्रॉम फर्म ए बाई फर्म बी, फर्म बी ने 60 लाख रुपीज का परचेज किया है फर्म ए से, तो इंटरमीडिएट कंजप्शन को माइनस कर देते हैं। नाउ आई विल सॉल्व इट, दीज आर -10 -60 एंड सो द वैल्यू एडेड ऑफ फर्म बी इज 130 लाख। अब हमारे पास वैल्यू एडेड है फॉर्म ए की और वैल्यू एडेड है फॉर्म बी की, हम दोनों को ऐड कर देते हैं, सो इट इज बिकम ग्रॉस वैल्यू एडेड
और ये होती है मार्केट प्राइस पे, दैट इज वैल्यू एडेड बाय फर्म ए प्लस वैल्यू एडेड बाय फर्म बी. सो इट विल बी 55 प्लस 130 लाख. सो जीवीएएमपी और वी से जीडीपीएमपी इक्वल्स टू 185 लाख. बट द क्वेश्चन, इन क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड जीडीपीएफसी. सो मार्केट प्राइस हमारे पास आ गया है, जीडीपीएमपी हमें निकालना है, जीडीपीएफसी. तो जीडीपीएफसी इज इक्वल टू जीडीपी. By the question, we have to find GDP-FC. और GDP-FC is equal to होता है GDP-MP minus net indirect taxes. So, GDP-MP हमारे पास आ गया है आपका 185 minus indirect taxes. माइनस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज. इनडायरेक्ट टैक्स इज गिवन हियर, इट इज 30. आई विल पुट 30. सब्सिडी इज नॉट गिवन, सो आई विल टेक इट 0. सो इट इज 185 minus 32. Answer is 155 lakh. So this is the example in which we are. तो ये एक example था जिसमें हमने value added method के through GDP FC find किया और साथ में GDP MP भी find किया.